नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मॉर्निंग के 6 AM करंट अफेयर्स MCQ में। मेरा नाम है दोस्तों शुरुकुश पांडे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के रिविजन से, एंड फिर हम लेकर आएंगे आपके सामने आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तल्लिन का कैपिटल इनमें से दोस्तों कहां पर है? उत्तर है आपका एस्टोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज़ वन प्रोफेशनल क्रिकेट एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? निम्न में से किस खिलाड़ी को पेशेवर क्रिकेट एसोसिएशन ने खिलाड़ी का प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब दिया है? उत्तर था बेन स्टोक्स। Which of the following bank has signed an MOU with Indian Army for customized services? निम्न में से किस बैंक ने अनुकूलित सेवाओं के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। इंडो मंगोलियन जॉइंट एक्सरसाइज नोमैटिक एलिफेंट विल कंडक्ट एट? भारत मंगोलियाई संयुक्त अभ्यास नोमैटिक एलिफेंट इनमें से कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आंसर था बकलो। इकोवरिन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इकोवरिन भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? उत्तर है मालदीव्स। गवर्नमेंट लॉन्चेज अ पोर्टल टू इम्प्रूव कोल सप्लाई टू पावर प्लांट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्टल? बिजली संयंत्रों को कोयला पूर्ति में सुधार के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम क्या है? उत्तर है प्रकाश। What is पी वी सिंधु's rank in the latest rankings? उत्तर यहाँ पर दोस्तों 6 है। आप चाहें तो अभी लेटेस्ट रैंकिंग जो इनकी है दोस्तों वो 5 नंबर पे आ चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम फुली इलेक्ट्रिफाइड स्टेट रिसेंटली? हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से विद्युतीकृत राज्य बन गया है? उत्तर है तेलंगाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज्ड इंडिया इकोनॉमिक समिट इन विच सिटी? विश्व आर्थिक मंच ने भारत के किस शहर में आभारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? उत्तर है नई दिल्ली। वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व फ्रॉम 4th अक्टूबर टू 10th अक्टूबर, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस वीक? इस हफ्ते का शीर्षक या विषय क्या था? उत्तर है द मून गेटवे टू द स्टार्स। अब आते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, आज से हमने कुछ चीज़ें चेंज की हैं। हम पहले बताएंगे आपको सवाल का आंसर, सवाल के बारे में, और फिर जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आपको एडिशनल जानकारी देंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि प्लीज़ पसंद आने के बाद ही वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। सुशील चंद्र मिश्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ? सुशील चंद्र मिश्रा को MD और CEO के रूप में इनमें से कहाँ नियुक्त किया गया है? उत्तर है आपका ऑप्शन डी OIL। अगर हम दोस्तों OIL की बात करें, इसका फुल फॉर्म है ऑयल इंडिया लिमिटेड। 1959 में दोस्तों आपका ये बना। यह एक नवरत्ना कंपनी है और बागजान और डुलाजान दो एरिया हैं असम में, वहाँ पर इनके मुख्यालय हैं। अगर हम बात करें IOCL की, इसका फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके मुख्यालय हैं न्यू दिल्ली के अंदर। चेयरमैन है संजीव सिंह। भारत श्रीलंका मिडिल ईस्ट में इसका व्यापार है। NTPC की बात करें, ये दोस्तों अगेन आपकी एक महारत्ना कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बनी आपकी 1975 में और इसके चेयरमैन दोस्तों हैं गुरदीप सिंह। अगर हम गेल की बात करें, गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। बना आपका ये 1984 में और आशुतोष कर्नाटका दोस्तों इसके वर्तमान चेयरमैन हैं। यहाँ पर उत्पल बोरा को रिप्लेस किया है सुशील चंद्र मिश्रा ने एज अ सीईओ ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट CM हैज लॉन्च्ड अवेयरनेस कैंपेन कॉल्ड ऊर्जा गिरी टू स्टॉप पावर थेफ्ट? निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा गिरी नाम से जागरूकता अभियान चलाया है? उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर दोस्तों हम इनकी बात करें तो ये मुख्यमंत्री हैं आपके उत्तराखंड के, यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी। ये खबर में क्यों है? खबर में इसलिए है बिकॉज यहाँ पर होने वाला है काजिंद 2019, जो कजाकिस्तान और भारत के बीच एक सैनिक अभ्यास है। अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो गौर फरमाइएगा, कैपिटल है उसका नूर सुल्तान, करेंसी है उसकी टेंगे TENGE। अगर हम बात करें वन बाय वन योगी जी की, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों यहाँ पर इसके गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज जो ट्रिपल तलाक के विक्टिम्स हैं उनको उत्तर प्रदेश देगा 6,000 रुपये का एक असिस्टेंस। फिर बात करते हैं विजय रूपानी की, दोस्तों ये चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के। गुजरात न्यूज़ में था बिकॉज अभी हाल ही में नीति आयोग ने दोस्तों जारी की थी
कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जिसमें गुजरात आपका नंबर वन स्टेट है। साथ ही में गरवी गुजरात, जो गुजरात का सेकेंड स्टेट भवन है, उसको नई दिल्ली में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। आखिरी में आती हैं ममता दीदी। ममता दीदी गवर्नर चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की। यहाँ गवर्नर बने हैं नए, उनका नाम याद रखिएगा जगदीप धनखार नाम है उनका। और दीदी के बोलो कैंपेन और सेव वाटर डे, जो कि हर साल बंगाल मनाया जाता है अब 12 जुलाई को, उसके लिए आपका ये न्यूज़ में था। चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ नेम्ड अमूर एस लक्ष्मी नारायणन एज इट्स MD एंड CEO? निम्न में से किस कंपनी ने अमूर एस लक्ष्मी नारायणन को अपना MD और CEO नियुक्त किया है? उत्तर है ऑप्शन बी टाटा कम्युनिकेशंस। अगर दोस्तों हम बात करें इस कंपनी की, ये कंपनी आपकी बनी है 1986 में और इसके मुख्यालय दोस्तों जो हैं वो आपके पुणे के अंदर पड़ते हैं। अगर हम BSNL की बात करें तो BSNL आपका बना है सन 2000 में और ये न्यू दिल्ली में बेस है। इसके चेयरमैन हैं, उनका नाम है PK पुरवर। MTNL का फुल फॉर्म है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। ये पुरानी कंपनी है, 86 में बनी है और इसके हेड हैं आपके सुनील कुमार। और आखिरी बची दोस्तों भारतीय एयरटेल, एक समय इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। ये बनी है 1995 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल और इसके जो MD CEO हैं उनका नाम है गोपाल विट्टल। ये दोनों नाम यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अज़ीज़ बैग आशुरो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल, कंफर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, कंफर्म आपका एग्जामिनेशन में दोस्तों आएगा। सवाल है अज़ीज़ बैग आशुरोफ ने 2019 यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज़ नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता है, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, कौन से देश से इनका संबंध है? इसका उत्तर दोस्तों जो है वो है किर्गिस्तान। अगर हम पहले दोस्तों इस सम्मान की बात कर लें, या फिर हाँ चलो पहले हम बात कर लेते हैं अज़ीज़ बैग आशुरोफ की, जिन्होंने जीता है इसको। दोस्तों ये पेशे से लॉयर हैं और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम आप लोग पढ़िएगा, मैं आपको बोल दे रहा हूँ पर आप इसको गूगल करिएगा। नाम है उसका फरगाना वैली लॉयर्स विदाउट बॉर्डर्स। आई अगेन रिपीट, फरगाना वैली लॉयर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो दोस्तों इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो आपका किर्गिस्तान है, ये दुनिया का आपका पहला स्टेट बना है जहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास खुद का एक आइडेंटिटी कार्ड ना हो। हर कोई देश में अब एक देश का निवासी है, यहाँ पर कोई भी बगैर देश का या स्टेटलेस नहीं है। तो ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। अगर हम इस अवार्ड की बात करें दोस्त, तो इस अवार्ड का नाम है नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड और हर साल इसको दिया जाता है जिनीवा में, इसको दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है 1959 में ये अवार्ड आपका शुरू हुआ और जिनीवा में इसका लोकेशन है। अगर हम वन बाय वन चलें, अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो आपको बताना चाहिए, वो है काबुल और यहाँ करेंसी दोस्तों जो है वो है अफगानी। पैलेस्टीन, जो कि इसराइल के साथ काफ़ी इशू चलता है और अब दोस्तों ये बहुत ही संकट में है, इसका एडमिन सेंटर है रामल्ला पर ये कहता है इसका कैपिटल है जेरूसलम। यहाँ की जो करेंसी है वो इजरायली करेंसी है जो कि है न्यू शेकेल। आखिर दोस्तों आपका इटली आता है, कैपिटल है रोम और करेंसी यहाँ की है क्योंकि ये यूरो का पार्ट है, यूरो जोन का पार्ट है, ये करेंसी इसकी यूरो आती है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट 2019 साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनफॉल एंड IMD's लॉन्ग रेंज फोरकास्ट बाय सेम IMD, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स? IMD द्वारा हाल ही रिपोर्ट 2019 दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन वर्षा और IMD की लंबी दूरी के पूर्वानुमान के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक शुष्क जिले हैं? उत्तर है दोस्तों आपका हरियाणा में सबसे शुष्क जिले हैं। और दोस्तों इसके अलावा ये मणिपुर के बाद दूसरा सबसे रेन डेफिसिट वाला, दूसरा सबसे कम वर्षा वाला राज्य भी बन गया है। चलिए तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इसको। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा की ही बात कर लेते हैं। हरियाणा के गवर्नर दोस्तों जो हैं वो हैं SN आर्य और यहाँ के जो न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज़ अभी हाल ही में कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, यहाँ जो यहाँ के कोर्ट हैं वहाँ पर चाहे विक्टिम हो चाहे अक्यूज्ड हो, दोनों से उनके कास्ट के बारे में पूछा नहीं जाएगा। राजस्थान की बात करें, यहाँ के गवर्नर आपको याद रखना है, गवर्नर यहाँ के हैं कलराज मिश्र साहब और अभी हाल ही में जन सूचना पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया है। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत साहब, उन्होंने जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया है। कर्नाटक की बात करें, यहाँ के गवर्नर दोस्तों हैं वाजुभाई वाला और अभी हाल ही में यहाँ पर जो केम्पागौड़ा आपका एयरपोर्ट है उसके पास केम्पागौड़ा का स्टैचू बनाया गया है जो कि बेंगलोर के फाउंडर भी थे।
तमिलनाडु की बात करें, यहाँ गवर्नर आपके हैं बनवारीलाल पुरोहित, और यहाँ पर दोस्तों एक एजुकेशन चैनल बनाया गया है स्कूल्स के लिए, उसका नाम है कल्वी तोलाई काची, अलग है रिपीट, कल्वी तोलाई काची, तो इस वजह से आपका न्यूज़ में है। बाकी बचा दोस्तों आपका आईएमडी, आईएमडी का फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसके मुख्यालय दिल्ली के अंदर हैं, और 1875 में आपका आईएमडी बना, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं एम मोहपात्रा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्त, ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप 2019 रूरल सर्वे, निम्न में से किस जिले ने 2019 का जो ग्रामीण सर्वेक्षण सर्वे है उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उत्तर है दोस्तों आपका पेद्दापल्ली, इन्होंने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, और यहाँ पर सेकेंड रैंक पर आपका है फरीदाबाद, और थर्ड रैंक पे आपका है रेवाड़ी। अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे स्वच्छ राज्य जो बना है वो बना है आपका तमिलनाडु, वो भारत का सबसे स्वच्छ राज्य के तौर पर सामने आया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं और इस साल भी इसको दिया गया क्योंकि एक साल, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारे अगले सवाल पर। विच स्टेट वॉज अवार्डेड द बेस्ट लर्निंग एंड शेयरिंग स्पेस अवार्ड 2019, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण और साझा अंतरिक्ष पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया है। उत्तर यहाँ पर है दोस्त ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को मिला है दोस्तों। यहाँ पर सर्वाधिक आपके गोल्डन कार्ड बांटे गए, जो लोग नहीं जानते गोल्डन कार्ड क्या होते हैं, ये जन आरोग्य अभियान जो आपका आयुष्मान भारत के अंदर आता है उसके अंदर जो कवर मिल रहा है आपका, उसको देने के लिए कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर आपका न्यूज़ में है। जम्मू कश्मीर की बात करें, इसके अभी कोई सीएम है नहीं, बिकॉज ये बंटने वाला है यूनियन टेरेटरीज़ में, पर हाँ गवर्नर है उनका नाम है सत्यपाल मलिक। अगर हम अरुणाचल की बात करें, यहाँ गवर्नर दोस्तों हैं उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम है बी डी मिश्रा। अच्छा जम्मू कश्मीर इसलिए भी न्यूज़ में है बिकॉज अभी हाल ही में मिशन रीच आउट प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसको लीड किया था लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने, जहां पर वहां के लोगों से बातचीत करने का मौका दिया गया या बातचीत करने की कोशिश की गई 370 के हटने के बाद। अरुणाचल की बात करें न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज दोस्तों अभी हाल ही में हिम विजय जो कि इंडियन आर्मी की पहली माउंटेन कॉम्बैट एक्सरसाइज है वो यहाँ पर आपकी आयोजित करी गई। केरला की बात करें तो केरला के गवर्नर हैं आर्य मोहम्मद खान, नए बने हैं, और ये न्यूज़ में तो आपको पता ही होगा इसलिए हैं बिकॉज अभी हाल ही में आया है स्कूल क्वालिटी एजुकेशन इंडेक्स, जिसमें ये भारत का नंबर वन स्टेट है जिसको नीति आयोग ने हाल ही में जारी किया था। महाराष्ट्र की बात करें, इसके गवर्नर भी नए बने हैं, उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, और अभी हाल ही में ADB ने जो रोड्स हैं, जो ग्रामीण रोड्स हैं, उसके लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन देने की बात महाराष्ट्र सरकार को कही है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल पे चले, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टेक विस्परर। उत्तर है इसका ऑप्शन ए जसप्रीत बिंद्रा। अगर हम बाकियों की बात करें दोस्तों, रोहिंतन मिस्त्री भी एक लेखक हैं, इनकी किताब का नाम है अ फाइन बैलेंस। अगर हम प्रीति शेनॉय की बात करें, ये लिखती हैं मोटिवेशनल किताबें, इनकी बहुत ही फेमस बुक, उसका नाम है लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। और आखिरी में निराज सिंह चौधरी, ये एक पुरुष, एक मेल ऑथर थे, बहुत ही सेलिब्रेटेड ऑथर थे, इनकी फेमस बुक का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। वीडियो को लगातार देखो और फोकस करके देखो, इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसको मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको जो उसके नोट्स हैं वो भी मिल जाएँ। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल है, जैसे मैंने आंसर दे ही दिया आपको, बाजार पूंजीकरण के मामले में किस इकाई ने पहली बार भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ दिया है। विच एंटिटी हैज सरपास्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। उत्तर है दोस्तों आपका बजाज फाइनेंस। यहाँ पर इसको देखो, सबसे पहले समझो एम कैप होता क्या है। एम कैप का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इंटू प्राइस ऑफ वन शेयर, कितने शेयर्स हैं और एक शेयर कितनी वैल्यू है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा आपका मार्केट वैल्यू। तो उसमें अब आपका ये नंबर वन बन गया है SBI को पछाड़कर। अगर बाकियों की बात करें दोस्तों, एक्सिस बैंक जो है ये आपका बेस्ड है मुंबई में, तीनों ही इनफैक्ट बेस्ड है आपके मुंबई में। इसके MD CEO हैं अमिताभ चौधरी, और हाल ही में इसने एक्सप्रेस फिक्स डिपॉजिट को लॉन्च किया है। ICICI की बात करें, इसके MD CEO हैं संदीप बख्शी, और अभी हाल ही में जो भारतीय NRIs हैं UK में, उनको इसने सुविधा दी है, उनको इसने फैसिलिटी दी है कि वो मोबाइल के जरिए इंस्टेंटली अपना, तुरंत ही अपना जो अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हैं। HDFC बैंक की बात करें, इसके MD CEO आदित्य पुरी हैं, और अभी हाल ही में इसे ब्रांड्स ने रेट किया है भारत का सबसे वैल्यूबल ब्रांड, जहां पर सेकेंड रैंक पे आपका LIC आता है। आगे बढ़ते हैं,
इंटरनेशनल कॉफ़ी डे इनमें से कब ऑब्जर्व होता है? उत्तर है इसका दोस्तों 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को दोस्तों एक और 2 दिन और होते हैं। पहला दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, सेकेंड डे होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, सेकेंड दोस्त अक्टूबर को होता है गांधी जयंती या इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, 4 अक्टूबर को दोस्तों होता है आपका वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, और 3 अक्टूबर को होता है आपका जर्मन यूनिटी डे। अब जल्दी चलते हैं हमारे आज के डोज पर, जल्दी से बताइएगा सवाल। ये सवाल पिछले साल आ चुके हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज गांधी सागर डैम लोकेटेड, किस नदी पर आपका गांधी सागर बांध है? उत्तर है ऑप्शन सी चंबल। एनटीपीसी इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन विच सेक्टर? एनटीपीसी के क्षेत्र में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? उत्तर है आपका पावर। अगला सवाल सीजीएल से है। सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ, सतारिया जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य इनमें से किसका है? उत्तर है आपका ऑप्शन सी जो कि है असम। अगला सवाल NIACL से आया। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ज्योग्राफिक इंडिकेशन स्टोर एट डाबोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन, सवाल सिंपल सा है कि डाबोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है? उत्तर है आपका दोस्तों गोवा। नेक्स्ट सवाल पे आया, UPSI का सवाल है। बायलैटरल एक्सरसाइज इम्बेक्स वॉज हेल्ड इन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, द्विपक्षीय सेना अभ्यास इम्बेक्स भारत और किस देश के बीच हो रहा है? उत्तर है आपका दोस्तों म्यांमार। और आते हैं हमारे आज के सवाल ऑफ द डे पे, ये आपका होमवर्क है। शेड्यूल्ड बैंक इज अ बैंक विच इज, एक अनुसूचित बैंक इनमें से क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारी नई तरीके का चर्चा आपको पसंद आई होगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो इंडिया का बेस्ट व्यूड वीडियो हो जाए करंट अफेयर्स का। इसी इच्छा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप सबको दशहरा की एडवांस में आप सबको उसकी खुशियाँ, और मिलते हैं अब आपको दशहरा पर ही सुबह 6 बजे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत।